नमस्ते नंद साहब। नमस्ते अंकल। आजा दिव्या, मैं तुझे अंकल से मिलवाती हूँ। पापा यहाँ पे? और अंकल जी कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ बेटा। काम हम बढ़िया चल रहे हैं? हाँ बेटा, बस आपकी दुआ से सब ठीक चल रहा है। बेटा तुमने मुझे यहाँ बैठने के लिए जगह दी थी, काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल कौन इंसान है जो अपने घर के बाहर किसी को रेड़ी पटरी लगाने देता है? आपका एहसान मानता हूँ मैडम। अरे अंकल जी मैंने कुछ नहीं करा, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आप कहीं और भी दुकान लगाते तो आपकी दुकान चल ही जाती। तुझे पता है दिव्या, अंकल बहुत मेहनती हैं और इनके हाथ की चाय एक नंबर, 5-स्टार रेस्टोरेंट भी फेल है। अरे बेटा उसे तो सब पता है, मेरी ही तो बेटी है। क्या? तेरे पापा एक चाय वाले? पर तूने तो कहा था तेरे पापा बिजनेस करते हैं। अरे मैं इसी बिजनेस की तो बात कर रही थी, मेरे पापा का चाय का ठेला है और पापा आपको पूरे शहर में बस यही जगह मिली है अपना ठेला लगाने के लिए। बेटा क्या दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से तो इतने बड़े शहर में एक छोटी सी जगह मिली है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। अगर ये जगह ना हो ना बेटा तो हमारा घर ना चल पाए। पापा दिक्कत तो है ही ना, ये मेरी फ्रेंड का घर है, यहाँ पे मेरे सारे दोस्त आते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि मेरे पापा यहाँ चाय का ठेला लगाते हैं तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पापा। ये चाय बेचने वाले की कोई इज्जत होती है क्या? और वैसे भी आप ना एक काम करो, आप बोलोगे ना तो मैं अपने किसी दोस्त को बोल के आपकी अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगी। बेटा तू ये क्या कह रही है, इसी काम से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इसी काम से हमारा घर चलता है। बेटा अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ तो कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है पापा आपका जो मैं आपकी तारीफ करूँ, ये मामूली सी चाय की दुकान ही तो है आपकी बस। और पापा चलो इसको तो पता चल गया, ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो समझ जाएगी मेरी बात, लेकिन मेरे बाकी के दोस्त वो तो मेरी बेइज्जती करेंगे ना। आप कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचो पापा। तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है? तेरा बाप इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे उसकी नहीं पड़ी बिल्कुल? हाँ तो मैं कह तो रही हूँ पापा कोई दूसरा काम कर लो, ये काम करना जरूरी है क्या आपको? अरे दिव्या तू ये कैसी बात कर रही है, इसमें कमी क्या है, बहुत अच्छा काम है यार चाय बनाना। तो चुप कर यार, अगर तेरे पापा चाय वाले होते ना तब तुझे समझ में आता कि कैसा लगता है। तू अभी मेरी बात थोड़ा समझ पाएगी? तूने कभी सोचा भी है कि मैंने क्यों नहीं बताया अपने पापा के असली काम के बारे में, कि वो चाय का ठेला लगाते हैं, कि कहीं मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए। और वैसे भी इन सब बातों से तुझे कहाँ फर्क पड़ता है यार, तू तो बहुत लकी कि तेरे पापा पैसे वाले हैं और तेरा लाइफ स्टाइल इतना अच्छा है। और मुझे देख, मुझे जैसे तैसे करके रहना पड़ता है बस, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यार तू ये क्या बात कर रही है दिव्या, तू कहाँ ही समझेगी कि तू कितनी लकी है, तेरे साथ तेरा पूरा परिवार रहता है। एक मुझे देख, मेरे मम्मी पापा कमाने के चक्कर में हमेशा बाहर रहते हैं, जिनके पास कभी भी मेरे लिए टाइम नहीं होता। वो दोनों तो कमाने में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि वो भूल ही गए हैं कि उनकी एक बेटी भी है जो हमेशा उनके साथ रहने के लिए तरसती है। यार सच बताऊं मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के प्यार के लिए ना हमेशा तरसती हूँ। दिव्या तुझे एक बात बताऊं, असली खुशी पैसों में नहीं है, परिवार में है। जब परिवार साथ रहता है ना तो पैसा ना भी हो तब भी इंसान खुश रहता है। और तेरे पापा तो तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तुझे इस चीज की कदर करनी चाहिए। अरे दीदी आप भी पापा से मिलने आई हो, चलो पापा दुकान बंद करते हैं, टाइम हो गया। नहीं बेटा ये मुझसे मिलने नहीं आई बल्कि मुझे नीचा दिखाने आई है। तेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है और उसे ये काम छोटा लगने लगा है, तो बेटा कल से इस काम को बंद कर देंगे। बेटी अगर तुझे लगता है कि इस काम से तेरा अपमान होगा तो बेटी कल से ही मैं इस काम को बंद कर दूंगा। नहीं नहीं पापा आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसी हरकत की, मैं आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपने मुझे पढ़ाने निकालने के लिए कितनी मेहनत करी है और मैं पागल की आपकी कोई मेहनत नहीं समझ पाई और आपकी कदर भी नहीं करती। पापा प्लीज़ आखिरी गलती है, अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। बेटा तू समझ गई है तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जिस काम से
पूरा परिवार पल रहा हो तो वो काम छोटा नहीं होता, वो काम बहुत बड़ा होता है बेटा, पूजनीय होता है। ये तुझे बहुत बड़ी सीख मिली है बेटा, इसे हमेशा याद रखना। जी पापा। ठीक है बेटा, तुम जहाँ जा रही हो वहाँ जाओ। चलो बेटा सामान पैक करो। चलो पापा।